बच्चों वेलकम बैक आप सिस्टम टीम पे। आज हम बात करेंगे जेईई मेंस के बारे में। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब शुरू होगा और हम कैसे कैसे तैयारी करेंगे। इन सारी टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद आपके सारे सवालों के जो जवाब हैं वो झटके में सॉल्व हो जाएंगे और लास्ट में हमको तीन टिप आपको ऐसी देंगे जो आपके पढ़ाई में इतना बढ़िया एक्सेल कर देंगे कि आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जेईई मेंस क्या होता है। जेईई मेंस एक टाइप का एग्ज़ाम होता है जो कि एनआईटी ट्रिपल आईटी और GFTI और साथ में कुछ प्राइवेट कॉलेज और साथ में तुम्हारा जेईई एडवांस में बैठने के लिए इस एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना रहता है। जो ये आपका NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, GFTI गवर्नमेंटेड फंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे तो क्या है, कॉलेज है ठीक है। और जेईई एडवांस क्या है, जेईई एडवांस एक एग्ज़ाम है, जो बच्चा इसको क्वालिफाई करता है वो IIT में एडमिशन लेता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रेस्टिजियस कॉलेज होता है, वन ऑफ द टॉप, जहाँ पे पढ़ाई का एक अच्छा बढ़िया माहौल होता है और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा ही, इसमें भी सारी चीज़ें होती हैं बट इसके कंपेयर में ये हाई लेवल का होता है और ये थोड़ा लो लेवल का होता है, लेकिन हमारी पढ़ाई के अनुसार हम दोनों को चूज करते हैं। अगर हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, तो फिर IIT एग्जाम दो, जेईई मेंस क्वालिफाई करो पहले, उसके बाद IIT एग्जाम दो, लेकिन पहले जेईई मेंस भी करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है, कितनी बार एक साल में एग्ज़ाम होता है, वो बात कर लेते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो दिसंबर में इसका स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर में स्टार्ट होता है। इसका जो पहला पेपर होता है, पेपर वन जो होता है, वो आपका जनवरी में होता है, यानी बोर्ड से पहले हो जाएगा आपका, जनवरी में पेपर वन होता है। और जो इसका पेपर टू होता है, पेपर टू इसका जाके अप्रैल में होता है। कब होता है, अप्रैल में होता है, यानी साल में दो बार। आप किसी एक में अच्छा कर जाएं तो दूसरा देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपका जनवरी में पेपर दिया अच्छा नहीं हुआ तो आप दूसरा दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका मान लो जनवरी में अच्छा हो गया, आप फिर से ट्राई कर रहे हैं कि अप्रैल में और अच्छा हो जाए, तो आप अप्रैल वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दो बार पेपर होते हैं, बढ़िया। अब भैया बात कर ले मोड क्या होता है, पेपर का मोड क्या होता है। तो पेपर तीन मोड में होते हैं, एक तो इंग्लिश, हिंदी और साथ में जो लोकल लैंग्वेज है जैसे उर्दू हो गया या मराठी हो गया, ये सारे तो कई लेवल में होते हैं। तो आपको परेशान या चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी भी मोड में अपना पेपर दे सकते हैं। तो ये आपका कंडीशन था। एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी होती है, सर्टिफिकेट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। मान लो आप जर्नल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपके घर में उतनी ज़्यादा आपका इनकम नहीं है, बहुत पापा कमाते नहीं है, फार्मर है, किसान है या कोई जॉब करते हैं, तो आप यहां से EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कचहरी पे जाके। वहां से आपको 10% का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। दैट मीन्स कि आपकी जो सीटें रहेगी पहले से रिजर्व रहेगी। मान लो आपका रैंक आया 10 लाख, तो उसका 10% हो जाएगा 10,000, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है। मान लो आप OBC कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से, तो इसका सर्टिफिकेट आता है OBC NCL नॉन क्रिमिनल लेयर, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है, ठीक है। अब ST SC है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो आरक्षण ऑटोमेटिक मिलना है। तो ये आप सर्टिफिकेट बनवा के रखें, ये अप्रैल टू अप्रैल तो आप फॉर्म भरने से कुछ दिन पहले इसको बनवा के रखें। मान लो नहीं बन पाता है तो उसमें एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, उसको फिल करके उसको हम जमा कर देते हैं, तो बाद में बनवा के भी दे सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान। कौन से स्टूडेंट पेपर दे सकते हैं, तो वो स्टूडेंट जो 12th में है उस दौरान, मतलब 12th में है या फिर 12th पास कर चुके हैं, ये दो स्टूडेंट जो है वो पेपर दे सकते हैं, और दो या तीन बार पेपर दे सकते हैं, ठीक है। कोचिंग ले या ना ले, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से ना चल रही हो, माहौल बढ़िया ना हो, तो आप अगर मान लो आप घर पे 4 से 5 घंटे प्लस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है, वो भी IIT और नीट वाली कोचिंग, मतलब NIT और इसकी वाली कोचिंग, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है। और अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जा रही है तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में हम बात करेंगे, एक हमारा ही बैच चल रहा है, लव बैच चल रहा है, जो 11th को फोकस कर रहा है, और जो कुछ बैच चल रहा है वो 12th को फोकस कर रहा है, सक्षम टीम के ऐप पे। तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे 200-300 रुपये में आपको पूरे साल का मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप PW का ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप आपके पास पास कोई ऑफलाइन कोचिंग हो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स की बात करा जाए तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो NCERT की होती है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की NCERT पहले फॉलो करो, उसके बाद किसी अन्य बुक पे इसको 10 बार पी जाओ घोल के, इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं।
फिर अगर अब फिजिक्स के लिए बात किया जाए तो फिजिक्स के लिए HC वर्मा आती है, HC वर्मा की बुक फॉलो करो। मैथ्स के लिए अगर बात करें तो मैथ्स के लिए सिंगेज के अलावा कोई बुक ही नहीं है जो बढ़िया हो। अगर केमिस्ट्री की बात करा जाए तो OC के लिए MS चौहान और PC के लिए नरेंद्र अवस्थी, और इनऑर्गेनिक के लिए आप इसी नरेंद्र अवस्थी को फॉलो करो। ये आपकी बुक्स हो गई। डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है? डिफ़िकल्टी तो भैया होगा ही क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं। आप 300 में से 80 नंबर ले आए, आपका 90 परसेंटाइल टू बन जाएगा और आपका बढ़िया से किसी भी NIT में बढ़िया कुछ बना से। अगर आपको अच्छा लाना है तो आपको 200 प्लस लाना होगा, फिर आपका CS ब्रांच जो है वो फिक्स होगा और आप एक NIT में एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एंट्री ही करना है तो आप 80 नंबर ले आएँ, बेस क्वेश्चन कर लें। कितने क्वेश्चन का होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 30-30 क्वेश्चन का होता है तीनों मिला के, जिसमें आपको 25 करना रहता है। 5 ऑप्शनल होते हैं, तीनों में 25-25 करना रहता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप तीनों में से मान लो आप 10-10 क्वेश्चन कर दिए, 30 क्वेश्चन कर दिए, 30 × 120 नंबर आ जाएंगे और आपके 98% बन जाएगा और आपका सिलेक्शन जो है वो जाएगा। ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी आपको, आपकी जानकारी देने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन दिसंबर से स्टार्ट होगा, बढ़िया से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है ट्वेल्थ वाले बच्चे। और ज़्यादातर अपने बुक्स पे फॉलो करो और सारी चीज़ें करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो, और सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी, अलग जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि IIT भैया आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं।